आज का हमारा मेन्यू है सोया चॉप। चॉप बनानी है मेरे को चॉप। बैठी देख गिना लग रही लड्डू। काल तो कटवार से परसों फिर धोली होगी। अरे माँ अरे लड्डू लेती आइए। राधे राधे जय श्री श्याम। राजा बोलो का 64 दिन हो चुके हैं मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करते हुए, तो थैंक यू सो मच। और आज मेरे पांच सूज गए जाडे में, पांच सूज गए मेरे देख भाई। उंगली सूज गई मेरे जाडे में, चबक मारा पाऊ में दुख, चबक मतलब दुख है पैर ऐसे। बा उमर ही होती तेरी तो उमर होती चपक तो मार देगी बेटे जे में के लिए। हाँ क्या घूमिए की काल तो कटवार से परसों फिर धोली होगी। तुसन मुंह कोई यंत्र कटवा ले। हां यही तो कटवा ही पड़े, यंत्र कटवा ले हटा से। और की होगा ये हमारे बाबा का कमरा इसमें लौट रहा है। हमारे बाबा के बात हो काका नहीं लगाया वो कपिल लगा जाते बेड़ी छोड़ दी। क्या किया पहुंच लिया। हां पहुंच गए पापा में। वो के रमेश का आ के बता देंगे। श्रीराम का ठीक है वो बतावा तो ना आने के, तो मैं पूछ के बता दूंगा जो का पूछूंगा बता दूंगा मैं। ओ सुना तू हम के सुना है भाई। मारा बाबा पैक हो गया, मारा बाबा पैक हो जाएगा। ए तिजाई भी ले लोई भी ले, जिसकी खोगी लोई उसका के करेगा कोई है? जिसकी खोगी लोई उसका के करेगा कोई। हां तू ही है। हो गया मारा बाबा पैक हो गया तू तो टोपा भी जाकट भी इतना जड्डा मान रहा के जड्डा लग गई है कहीं में जड्डा होता। मैं कहता पसंद नहीं टूट रहे। अरे तेरे ता टूट रहे भाई। लड्डू कहां है वे लड्डू लेती आइए। लड्डू आ रहे अरे कहां था वे लड्डू। मेरी बुआ कहता है थे, मेरी बुआ कहता है ऊंचे काम थे। लड्डू थोड़े हुए, थोड़े हुए सादे खा गया। नू क्या पोते का मोह होता है ना कहीं का भी मोह। किसी के लिए बंद रही सादे खा गया। सादे खा गया मैं ठीक है लड्डू आए थे जड्डे में मुझे बहुत स्वाद लगे कड़वे कड़वे से। अरे दो लड्डू देखे सादे खा गया फिर भी जड्डा मारना मेथी के लड्डू खा के भी। हाँ जड्डा तो लग गया हमें खुआ दो लड्डू देखे भी काट पकाऊ लगते मिट्टी के लड्डू आए थे बुआ जी के थे वे कड़वे कड़वे से लगे भाई ढेर स्वाद लगे मुझे तो पहले खाया था मैं तो मुझे कड़वे नहीं लगते। मेरी बुआ के लड्डू तेरे लड्डू करवाऊंगा बस एक बार एक किलो मिट्टी जाकर तेरे लड्डू खम्मत तो बस तेरे चल मैं चल बैठे तेरे देसी घी के लड्डू बनवाऊंगा। तेरे देसी घी के लड्डू में मानना रसगुल्लू में बजा के रहेगा रसगुल्ले लड्डू 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 देसी घी के डालडा के नहीं डालडा नहीं भाई देसी घी। हाँ चलो भाई
देसी घी के लड्डू पक्के दो ढाई किलो वो लिया के? तीन किलो इभी जागा के इभी जागा करीम अरे इभी जागा के लड्डू की तैयारी कर रहा भाई मारे लड्डू आ रहे हमारी बुआ के थे किसा कहा है मैं सब बताऊं तू खावे लग रहा है तू खा रहा नहीं ये इनते खा लेंगे लोग खाओ तो मेथी के लड्डू कड़वे हैं ये हमारी बुआ के था रे देसी घी के लड्डू उसमें मेथी पड़ी कड़वे लगे हैं हमारा पापा सारे पाल गया फिर भी डर लग रहा गलत बहुत गलत बात है किले किले खा रहा दो किलो के होते तो क्या किलो के थे दो किलो मेथी के जड्डू में जड्डे कहाँ लगे तुझे जड्डा लगे ढेरी पक्का गुड़ हो हाँ गुड़ कहने जी सारे जड्डे कटे गुड़ कहने सब जड्डू का काम हो जाता नू देख ले उस दिन तक खुआने के लड्डू मुझे देख गिना लग रही लड्डू गिन रही मेरे देख लिया ठीक है ये भी कदम मथा दे गए थे ब्याह मेरे लड्डू गिन रहे चौथा आयो बहुत जालिम आदमी तुम तो लड्डू गिन दिया जिनने मेरे दान आ गया चौथा आयो तो भी ध्यान रखे जी मम्मी ने कल तो मैं छोड़ ले आया था शाम के टाइम मम्मी ने आज बनाया साग मम्मी साग बनाया साग हाँ साग बना था खा के अच्छा मम्मी ने साग बनाया मम्मी को पता मैं साग नहीं खाता मम्मी ने मेरे लिए पराठे बनाए मूली के दही के साथ अभी तो मम्मी बना दी है मेरे लिए ब्याह के बाद मुझे दिखा था मुझे बनाने पड़ेंगे अपने लिए भी और घरवालों के लिए भी कल लुगाई के लिए बनाऊंगा मम्मी बोलेगी ठीक ठीक तो सबके लिए बनाने पड़ेंगे भैया तैयारी कर लो तैयारी चल रही है बस 1414 पर तैयारी चल रही है नहीं ब्याह के नहीं पराठ होगी ये छोले हैं जो मैं रात लाया था दही और पराठे खाओ पहले तुम खाओ दही से खिला दूँ मैं छोले तो रात के हैं नुकसान दे खाओ मार के दिखा मैं मत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ मौत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ ओ ढिंगी चुका ढिंगी चुका ढिंगी चुका मैं मौत को चुके टक से वापस आ सकता हूँ किनस गई रे किनस गई मौत को चुके टक से वापस आ मार के दिखा अब मार के दिखा देखे खड़ी दादी दिखा मार के इतना भाई मेरे को फेंकता मारा देखे एक गमला माले को बैठी अरे मार लिया रे अरे मार दे रे अरे मम्मी अरे मम्मी मारे यार तुम यहाँ पा मेरा है धनुर पूरा खानदान यहाँ मेरा पा है पांच आदमी लग जाए जी मेरा पा नहीं है मतलब ही नहीं बनता तू मेरा पा हिला दे आज का हमारा मेन्यू है सोया चाप चाप बनानी है मेरे को चाप हो गया क्या मेरा सब सकल चाप आ गई चलते
फोन करके पूछ छोटू ते अलावलपुर। हाँ तो अभी नहीं आया होगा। प्याज प्याज कम है, थोड़ी शोर कसनी पड़ेगी। एक बार पूजा कर ले फिर बनाएंगे सब्जी। लड्डू जी हाँ जोड़ लो भैया, पूजा कर लेते फिर बनाएंगे सब्जी। चाप कम नहीं पड़े तो यदा इसमें यो छोटा नहीं पड़ जाएगा के बासन है आदि नाम ने लोग सारी तो है बस थोड़ा सा हो गया क्योंकि भाई आधा बड़ोत से चाप लेके। तो मम्मी कह रही है पहले चाप फ्राई करेगा मसाला फ्राई करेगा, तो पहले चाप फ्राई करेंगे। चार्जिंग पे नहीं लग रहा। चाप बना रहे हैं तो दही की कमी पड़ गई थी क्योंकि घर पे मट्ठा तो छाज तो थी दही नहीं, मैं सोचा दही में बनाऊंगा। इस बार ना दही में ग्रेवी करके हल्की सी खटास लाऊंगा। जो मैं दही मिली नहीं क्यों खत्म हो रही तो अंदर लाऊंगे, लानी तो पड़ेगी। दही आ गई, अब चल के आगे की कार्रवाई करेंगे। पहले चाप फ्राई करेंगे फिर मसाला तैयार करेंगे। किस दिन आओ यार अपने हाथ की चाप खिलाता हूँ, आओ किसी दिन। खुद बनानी है, खुद खानी है तो खुद धो। थोड़ी सी बात तो सोई खाली कर दे, देखते सूख जाएगी। सारा गिर दो एक बार के में। ठीक है बब्बू का सब हो जाएगा। एडजस्ट चला दे बब्बू का, पता नहीं कौन का है। स्टेशन पे चली होगी, फ्राई कर लूँ। हल्का हल्का गैस थोड़ी सी तेज कर लूँ, अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसमें मसाला और दही करके मिक्स कर दूँ, जब तक यहाँ प्याज फ्राई कर लूँ। अब ये होगी ठंडी जुम्मा, तो अब ज़्यादा पर कड़ा कड़ा दी शुरू होगी। उसमें थोड़ा सा दे मसाला, जैसे इनके अंदर अंदर मसाला पड़ जाएगा, ज़्यादा मसाला डाल देंगे जैसे मसाला मिल थोड़ा थोड़ा सा डाल दो तो बस थोड़ा सा डाल दो। चाट मीट मसाला, चाट मसाला दही डाल दो, लेकिन डाल काटी देगी थी। दही रखी थी, मुझे तो ऐसा दही नहीं रखी। हमने इनके अंदर मसाला भर के इनको रख दिया ऊपर, इनकी जरूरत पड़ेगी अभी मसाला पूरा बढ़ जाएगा इनके अंदर, पहले इनकी कार्रवाई करनी। मैंने इतनी सब्जी बनाते लेकिन मेरे यहाँ पे कितना भी गंदा नहीं है, ये मैंने इसमें रखा था कि इसमें लगे। क्या ही स्मेल है, क्या ही स्मेल है। बताओ यार क्या ही कलाकारी दी भगवान ने मुझे, मैं तो महक महक में दीवान हो जाता हूँ अपने हाथ की सब्जी के। आओ कभी खिलाते हैं। हाँ 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 तेल छोड़ दिया है टमाटर ने, अब चाप डालना उचित होगा। ये कैसा ही बना देता हूँ मैं, कभी कभी समय सोचते मैंने बना के
एक घंटे से इतनी मेहनत करे, मेहनत पे पानी डाल दिया, इसे पकने तक 15 मिनट। सब्जी होगी तैयार, इसमें हल्का सा धनिया, हल्का सा गर्म मसाला, दो ढक